तो लाइक वर्क फंक्शन जो होता है जिसको हम लोग इनफैक्ट फाइव से डिनोट करते हैं इसी वर्क फंक्शन को हम लोग कहते हैं थेरेसोल्ड एनर्जी भी ठीक है और फाइव जो हो गया थेरेसोल्ड एनर्जी को हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा एच हमारे यहाँ पे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और सी आपका स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा आपका थेरेसोल्ड वेव लेंथ और इसी का एक और रिलेशन होता है आपका एच इन का म्यू लेकिन यहाँ पे म्यू इन टू टी एच करेंगे यहाँ पे एच आपका प्लैंक्स कॉन्सटेंट हो गया और म्यू टी एच जो हो जाएगा दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हमें क्वेश्चन में इन दोनों के हेल्प से हमें फाइनल रिजल्ट निकालना ठीक है दैट इज वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू का मी वन टू टी एच मी ऊ टी एच इज ओके वर्क फंक्शन का वैल्यू दे रखा आपको पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकिन पॉइंट क्या है कि फाइव इज इक्वल टू अगर दे रखा पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हम लोगों ने पढ़ रखा कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्टो होता है दैट इज इक्वल टू दन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन जूल तो अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूंगा तो यह पॉइंट टू इंटू पावर माइनस का नाइनटीन जूल और एच का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिक्कस माइनस का थर्टी फोर जूल सेकेंड एंड साथ में आपका जगह थ्रे शोल्ड फ्रिक्वेंसी तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग जो थेक्वेंसी आ जाएगा इट इक्वल टू पॉइंट टू और इंटू का जगह माइनस का नाइनटीन एंड डिवाइड बाई आप सिक्स पॉइंट सिक्स माइनस का थर्टी फोर ठीक है